हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी। इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए ग्रामीण परिवेश का टेस्ट लेकर के आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम यूपी लेखपाल के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। साथ ही साथ इस वीडियो की PDF डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप प्राप्त भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने, व्यक्तियों का ऐसा समूह जो विशिष्ट उद्देश्य के लिए उद्दिष्ट है, उस समूह को क्या कहते हैं? तो उस समूह को हम समिति कहते हैं। पहला ही ऑप्शंस करेक्ट। भारतीय समाज को मुख्यतः किस समाज के नाम से जाना जाता है? तो भारतीय समाज को मुख्यतः कृषक समाज के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एक ग्राम पंचायत में ग्राम के वार्डों से चुने हुए कितने सदस्य होते हैं, जिन्हें पंच कहा जाता है? तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर? 7 से 17 सदस्य होते हैं। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। मिड डे मील योजना के अंतर्गत विद्यालय स्तर पर बच्चों के न्यून भार की प्रतिशतता का आकलन किस आवृत्ति पर किया जाना चाहिए? तो सही आंसर हो जाएगा आपका अर्धवार्षिक रूप से। चौथा ऑप्शन से यहां पर आपका बिल्कुल क्या होगा सर? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने, एक व्यक्ति के लिए पंचायत का सदस्य बनने की न्यूनतम आयु सीमा कितनी है? जल्दी से बताएं। तो सही आंसर हो जाएगा आपका 21 वर्ष। दूसरा ऑप्शन से यहां पर आपका क्या होगा सर? करेक्ट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में एक वर्ष में न्यूनतम कितनी ग्राम सभा की बैठक होनी चाहिए, जल्दी बताएं। तो सही आंसर हो जाएगा आपका 2। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। और सभी कुछ प्रतीक्षा कर सकता है किंतु कृषि नहीं, यह कथन किसका है? तो यह पंडित जवाहरलाल नेहरू का कथन है। चौथा ऑप्शन करेक्ट। सार्वजनिक भूमि के अतिक्रमण हटाने एवं उसके प्रबंधन का उत्तरदायित्व किसका है? तो सही आंसर हो जाएगा राजस्व विभाग का उत्तरदायित्व है जी। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। पूसा रसराज किस फसल की उन्नत किस्म है, जल्दी बताओ। पूसा रसराज तो ये खरबूजे की उन्नत किस्म है। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। इनमें से कौन ग्रामीण विकास का वर्तमान कैबिनेट मंत्री है? तो सही आंसर हो जाएगा चौधरी वीरेंद्र सिंह। चौथा ऑप्शन करेक्ट। बहुप्रचलित सिंचाई का साधन है, तो सही आंसर हो जाएगा ट्यूबवेल। पहला ऑप्शन करेक्ट। 1 फुट कितने सेंटीमीटर के बराबर में होता है, जल्दी से बताओ। तो सही आंसर आपका क्या क्या हो जाएगा सर? 1 फुट कितने सेंटीमीटर के बराबर में होता है? 30.48 सेंटीमीटर। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। भूमि की पैमाइश का कार्य किस विभाग के द्वारा किया जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका राजस्व विभाग। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। जमाबंदी तैयार की जाती है, तो ये 2 प्रतियों में तैयार की जाती है। पहला ऑप्शन करेक्ट। देश का प्रथम राज्य कृषि विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो सही आंसर हो जाएगा पंतनगर में। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। धरातल पर मापी गई क्षैतिज दूरियां कोणों एवं ऊंचाइयों को मानचित्र पर प्रदर्शित करने की कला को क्या कहते हैं? सही आंसर हो जाएगा आपका मानचित्र कला। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। उत्तर प्रदेश में उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग की स्थापना कब की गई? तो सही आंसर हो जाएगा आपका 1974 में। चौथा ऑप्शन करेक्ट। सांस्कृतिक एकाधिकता पाई जाती है आधुनिकरण में। पहला ऑप्शन करेक्ट। उत्तर प्रदेश की प्रमुख वाणिज्य फसल कौन सी है? गन्ना उत्तर प्रदेश की प्रमुख वाणिज्य फसल है। उत्तर प्रदेश में वन महोत्सव का शुभारंभ किस वर्ष हुआ? जुलाई 1952 में। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना कब शुरू की गई?
5 मार्च 2019 को शुरू की गई। चौथा ऑप्शन करेक्ट। किस प्रकार के वन में लकड़ी काटने एवं पशु चराने की स्वतंत्रता होती है? तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर? आ वर्गीकृत वन, पहला ऑप्शन करेक्ट। जनजातीय समाज के लोग होते हैं। धार्मिक वस्तु पूजा में विश्वास करने वाले और अंधभक्त, ये सभी होते हैं। चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। सूची एक को सूची दो से मिलाना है। धर्म दिया हुआ है और धर्म के अनुसार लिंगानुपात दिया हुआ है। देख लीजिए, चारों ही ऑप्शंस दिखाने का प्रयास करता हूँ, दिख भी गया है। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए, सिख धर्म का लिंगानुपात कितना है? 877। जैन धर्म का लिंगानुपात कितना है? 911। बौद्ध धर्म का लिंगानुपात कितना है? 895। और ईसाई धर्म का लिंगानुपात है आपका 961। यानी कि पहला चौथे से, दूसरा तीसरे से, तीसरा दूसरे से और चौथा पहले से मिलेगा, तो पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन, कन्हैया लाल माणिकलाल केंद्रीय हिंदी संस्थान उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो दोस्तों, ये थे आपके 25 ग्रामीण परिवेश के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपी लेखपाल के लिए बेहद इंपॉर्टेंट हैं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत।